महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी का संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति। नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है, हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है, हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत में एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी जिसमें उन्हें कई करतब दिखाने थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहां कर्ण आ गया। कर्ण ने वो सारे करतब कर दिखाए जो अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और यह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच थी। वहीं दुर्योधन नहीं चाहता था कि यह प्रतियोगिता अर्जुन जीत जाए, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज सौंप दिया और उसे अंगराज घोषित कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दी। इस घटना के बाद कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी रहा और उसे अपना परम मित्र मानने लगा। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज निभाया। कर्ण बहुत वीर था, इसलिए वह दुर्योधन को योद्धा की तरह लड़ने की शिक्षा देता था। दुर्योधन जब भी अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की सोचता तो कर्ण उसे कायर कहकर धिक्कार देता था। एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया तो कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। कर्ण ने कहा, दुर्योधन तुम्हें युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, न कि छल कपट करके अपनी कायरता का प्रदर्शन करना चाहिए। कर्ण ने हमेशा मुसीबत में फंसे दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन चित्रांगद की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था। दुर्योधन तिल मिलाकर राजकुमारी को जबरदस्ती उठा लाया। अन्य राजा दुर्योधन के पीछे पीछे भागे, वो दुर्योधन को मार देना चाहते थे। यहां भी कर्ण ने दुर्योधन की मदद की और सभी राजाओं को परास्त कर दिया। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कर्ण एक वीर योद्धा और दुर्योधन का वफादार साथी था। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में दो श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वह भी कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है
कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी। इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण के जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछे रहे होते हैं। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही पांचों पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्रीकृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्रीकृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्रीकृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। तो दोस्तों, महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी बड़ी बहुत सारी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है।
द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए एक आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। एक बार की बात है जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाइयों यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़ डटकर और घसीटते हुए लेकर आए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्रीकृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना बढ़ता जाता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है, उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ी जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया
कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ ही लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज दिखाई ही ना दे। जैसे महाभारत में अर्जुन को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, तो उन्हें चिड़िया की आंख ही नजर आ रही थी, न तो पेड़, न पत्ते, न ही चिड़िया का बाकी शरीर। आप वह बनते हो जो आप अपने आप को मानते हो। विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज है। यह एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है, और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को यह विश्वास कराता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है, और उसके बाद ही उसमें उस लक्ष्य को हासिल करने की हिम्मत आती है। डर हमारे ऊपर अगर हावी हो जाता है तो हमें अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और यह डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धिमानी और ज्ञान का पीछा करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वह आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिरते जाएंगे। यह सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो, और जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से श्री कृष्णा हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करने की बात कहते हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हर ऐसी चीज जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है, उसे लालसा बोला गया है। बच्चों को यह बात जरूर सिखानी चाहिए कि लक्ष्य हासिल करने के लिए मन को नियंत्रित रखना जरूरी कदम है। माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को इस काम में सहयोग दें, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करें, ताकि उन्हें सही गलत समझ में आ सके। रोज ध्यान करो। ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव और चिंता, संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हैं। अपना कर्म करते रहो, उसके फल पाने की चिंता मत करो। जो हमारा काम है उसे धर्म समझकर करना जरूरी है। हम जो काम करेंगे उसके परिणाम या लाभ हानि की चिंता करेंगे तो हमारा मन भटकना निश्चित है। हर इंसान के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग काम की प्राथमिकता रहती है, जो हमें समयानुसार करते जाना है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका उचित परिणाम जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है, और यहां हमें हमारे कर्मों से ही जाना है। आपकी जिंदगी आपके चुनाव का परिणाम होती है। हमारे पास वह शक्तियां हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों को बदलने का साहस देती हैं, क्योंकि हर इंसान अपने निर्णय का ही परिणाम पाता है। इसीलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें यह समझाना बहुत जरूरी है कि उन्हें ही अपनी क्षमता पहचान कर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी है। यही दिशा जीवन में आने वाले समय में उस दिशा का परिणाम निर्धारित करेगा। आज के युग में भी रामायण और भगवत गीता में कही गई अच्छी बातों का उतना ही महत्व है। हमारे घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को इनसे अवगत जरूर कराएं। हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? गीता यह जानने में मदद करती है कि धर्म क्या है। जो लोग यह नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है या इसका पालन कैसे किया जा सकता है, तो गीता वह है जिसे आपको पढ़ना चाहिए।
गीता धर्म के हर पहलू और चरणों को दर्शाती है। यहां तक कि अगर आपके पास अपने स्वयं के धर्म के बारे में कोई प्रश्न है तो गीता भी इसे हल करने में मदद करती है। यह आपको विभिन्न योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और बुद्ध योग के बारे में बहुत सारी जानकारी बताता है। योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गीता बिल्कुल यही दिखाती है, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण हमने लगभग योग को पीछे छोड़ दिया। तो यह विभिन्न प्रकार के योग सीखने में भी मदद करता है। यदि आप नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, तब आपको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। यह वास्तव में आपको नहीं बताएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको वह मार्ग दिखाएगा जिससे आप अपने उद्देश्य को आसानी से पहचान सकते हैं। यह आपके दिमाग को अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है और आप केवल एक चीज और आपके उद्देश्य से बचे हैं। यदि आप अपने बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और इस जीवन में आपको क्या करना चाहिए, तो गीता आपकी मदद करती है। यह बताता है कि इसे और अधिक सार्थक बनाने के लिए आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कर्म में करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह हम सब लौटकर जरूर आएंगे। सभी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और सत्य की लड़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। गीता में हृदयम पार्थ गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानन गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यं गीता में परमो गुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, चार वेद, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता, गीता सभी ग्रंथों का सार यानी निचोड़ है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है, इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। गीता में पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूं तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय यह बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता
और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसीलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्ययोग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। गीता में तीसरा अध्याय कर्मयोग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। गीता में चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में पांचवां अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्ययोग और कर्मयोग का निर्णय, सांख्ययोगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म नियम आदि का वर्णन है, किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। गीता में छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। गीता में आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के सात प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर है। भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। गीता में नौवां अध्याय राजविद्या राजगुह योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। गीता में दसवां अध्याय विभूतियोग नाम से है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, फल और प्रभाव सहित भक्तियोग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन है। विभूति अर्थात सिद्धियां और शक्तियां। गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग नाम से है। इसमें विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज
और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का वर्णन है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन है, और इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम से है। इसमें ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का विशद वर्णन किया गया है, अर्थात स्थिति, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमयी ज्ञान है। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग नाम से है। इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। सत, रज, तम तीनों गुणों का विषय का विशद विवेचन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से है। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा के विषय का विशद विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और इसमें क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम के विषय के भी विशद वर्णन है। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम से है। इसमें फल सहित दैवी और आसुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी गई है। गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से है। इसमें श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा एयुम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्मयोग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है। भगवान ने कहा कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है, एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो, मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो, यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है, जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थाई है, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है।
व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। दूसरी की भलाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे बताया गया है, साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।